शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिंगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस चंदन की एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है। चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन है, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। कई माताओं की आदत होती है जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीज पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप से बस जाती है, अपने आप से बस जाता है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, आप अपनी किस्मत को संवार सकते। भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी